छलका है। कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी, जिन्होंने काफी भावुक नजर आई हैं, समर्थकों से मुलाकात वो कर रही थी और उस वक्त काफी वो भावुक भी नजर आई हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार समर्थन किया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट की दावेदार थी, ये भी उन्होंने कहा है। पार्टी ने रावदान सिंह को मौका दिया है। तो ये फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, बहुत उम्मीद थी किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को कि यहां से टिकट मिलेगा। लंबे समय से प्रचार प्रसार भी वो कर रही थी, लेकिन टिकट उनका कट गया और रावदान सिंह को टिकट मिला है, जिसके बाद वो काफी भावुक भी नजर आई हैं। और ये तक उन्होंने कह दिया कि बहुत उम्मीद थी हमें कि यहां से टिकट मिलेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम समर्थक और उनके बीच किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आपको नजर आ रही है, जहां पर वो भावुक हो गई क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका टिकट कट जाएगा। देखिए, कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है उसके बाद भले ही नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अंदर खाने अभी भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनको उम्मीद थी उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो आग से आंसू हैं वो साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो इनफाइटिंग लंबे समय से चल रही थी अब वो एक बार फिर से दोबारा से सामने आ रही है। यानी कि आप ये तक कह दिया कि जो भी पार्टी का फैसला है वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन उम्मीद थी। आप देख सकते हैं किरण चौधरी आपको नजर आ रही है, उनके बगल में श्रुति चौधरी खड़ी है, तमाम कांग्रेस के उनके जो गुट के समर्थक माने जाते हैं वो खड़े हैं और अपने आप को नहीं रोक पाई, गला उनका भर गया और उसके बाद अपने आप को रोकती भी वो नजर आ रही है, अपने आंसू को पोंछती भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां से श्रुति चौधरी को पूरी उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने रावदान सिंह को यहां से मैदान में उतारा है।